नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आपका स्वागत है DNU टाइम्स में। चलिए रुक करते हैं मुख्य खबरों की ओर। माँ अहिल्या की नगरी तराना में नगर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बौर मुंडला ने कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के एक वर्ष में किए गए कार्यों का पत्रक आम जनता को दिया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरा उज्जैन ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पोलिंग बूथ पर केंद्र सरकार द्वारा एक वर्ष में किए गए कार्यों का विवरण पत्र घर घर जाकर देने का कार्य लॉकडाउन का पालन करते हुए देने का निर्णय किया गया है। इसका शुभारंभ जिला भाजपा अध्यक्ष बहादुर सिंह बौर मुंडला ने महितपुर नाके से किया। साथ ही भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष प्रवीण पालोत्रा, भाजपा नेता ओम प्रकाश राठौड़, नाहर सिंह पवार, महेश बोढ़ाना, अशोक वक्त, अजय राठी, अजय वर्मा, दिनेश कुमावत, दिलीप वर्मा, पप्पू वर्मा, आकाश बोढ़ाना, शुभम जायसवाल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्या अभियान चल रहा है अध्यक्ष जी? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो दूसरे कार्यकाल के सफलतम एक वर्ष में जो किए गए उल्लेखनीय कार्य, इसमें धारा 370 हटाने का काम हो, 35 से हटाने का काम हो, नागरिकता संशोधन कानून लाने का काम हो, और निश्चित रूप से चाहे राम मंदिर का फैसला आने के बाद राम मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ करने का काम हो, निश्चित रूप से ये सारे बड़े बड़े जो काम हैं, इन सब कामों को नरेंद्र मोदी जी ने निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने सोचा भी नहीं था कि जहाँ जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में दो झंडे फहराए जाते थे, एक तिरंगा और एक जम्मू कश्मीर का झंडा फहराया जाता था, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके और नागरिकता संशोधन कानून ला करके आज जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया है। तो निश्चित रूप से आज जम्मू कश्मीर भी और हमारा श्रीनगर भी पूरी तरह से आज़ाद हो गया है। निश्चित रूप से इन सब नरेंद्र मोदी जी के जो बहुत बड़े काम हैं, जो ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए हैं, निश्चित रूप से आज सही आज़ादी नरेंद्र मोदी जी ने हमको आज इस वर्ष 2019 में दिलाई है, इन सब कामों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में आज निश्चित रूप से घर घर संपर्क अभियान में हमारे उज्जैन ग्रामीण जिले के 1331 बूथ हैं, प्रत्येक मतदान केंद्र पर, प्रत्येक बूथ पर 50-50 घरों में जाकर के परिवारों से संपर्क कर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को हम उनको अवगत कराएंगे। आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए DNU न्यूज़ टाइम के साथ।